खबर सीतापुर से है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं तथा पेयजल को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि मामला गोंदला मऊ विकास खंड के दहेलरा सद्दिकपुर बताया जा रहा है। बताते हैं यहाँ एक हैंडपंप के सहारे पूरा गांव चल रहा है। गांव में पेयजल की व्यवस्था एक हैंडपंप भरोसे है, जबकि 300 एकड़ से अधिक इस गांव के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, तालाब पोखरे के सहारे गाँव के मवेशियों की भी पेयजल व्यवस्था टिकी हुई है। वर्षों से ग्रामीण मूलभूत सुविधा से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का गुस्सा रविवार की सुबह फूट पड़ा और सरकारी तंत्र की हिला हवाली के विरुद्ध लंबित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आपको आज बताना चाहूंगा कि जहां पर अधिकांश दलित बस्ती रहती है, वहां पर विकास कार्य की पोल किस तरीके से खोल रही है। हालांकि जो डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, योगी सरकार है, वो लगातार गांवों की जो विकास कार्य हैं, गांवों का किस तरीके से विकास कार्य होना चाहिए, इस पर लगातार जो है मॉनिटरिंग हो रही। वहीं दूसरी तरफ लापरवाह अधिकारियों के चलते गोंदला मऊ ब्लॉक के ग्राम पंचायत दहलरा मजरा सद्दीकपुर का क्या हाल है, यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएँ। ये तस्वीरें हैं क्योंकि जो पेयजल की सुविधा है वो इनको यहाँ पर नहीं मिल पा रही है और ना ही कोई मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ना कोई नाली है और ना कोई इंटरलॉकिंग है, ना सीसी रोड निर्माण कार्य हुआ है। पेयजल की क्या समस्या है, हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा नज़दीक आकर के बताएं क्या समस्या है और किस तरीके से आप लोग गुजर कर रहे हैं, क्यों इतना विरोध किया है आप लोगों ने। हमारे यहाँ जो है इसका क्या नाम जो है पानी की बहुत दिक्कत है और पानी निकलने के लिए कोई सुविधा हमारे यहाँ नहीं। प्रधान अपने यहाँ का देखते हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं देखते हैं। और दूसरी बात, पहले नहाते उसके बाद पानी उलचते हैं, कहीं जो पानी फेंकने की है ही नहीं सुविधा, क्या करेंगे जो है। उसके बाद किसी के मोहरे द्वारे तो डाल नहीं सकते, उसके द्वारे डालेंगे तो लड़ाई दंगा होता है, तो प्रधान यहाँ देखने नहीं आता। गौरतलब है ग्राम पंचायत दहेलरा के मजरा सद्दिकपुर में नाली, खरंजा, हैंडपंप आदि की मूलभूत सुविधाएं न होने से ग्रामीणों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदार अफसरानों की लापरवाही से पूरा गांव सरकार की योजनाओं से वंचित है। मौजूद समय में यह भी नल खराब पड़ा है, जिससे लोगों को पेयजल के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ गांव में नाली निर्माण न होने से जल भराव की भी समस्या बनी हुई है। गांव के लोग बरसाती पानी की निकासी न होने के चलते भरे गंदे पानी में निकलने को मजबूर हैं। वहीं इस दौरान गंदगी में कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं, इससे संक्रमित बीमारी और संक्रमण फैलने भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीण बताते हैं यह एक महीने में संक्रमण से 3 मोटे हो चुके हैं। ग्रामीण किशोरी लाल, गया प्रसाद, नरेश कुमार, राहुल, मोहित, विकास कुमार, पुत्तीलाल, छोटे लाल, जगदीश आदि का कहना है कि गांव में मूलभूत सुविधाएं है ही नहीं और न ही कोई भी विकास कार्य हुआ है, जबकि ग्राम पंचायत का कार्यालय 4 साल के करीब पहुंच रहा है। पीने लायक पानी ग्रामीणों को दूसरे गांव से लाना पड़ रहा है। पानी के अभाव में गांव की महिलाओं और बेटियों को भी शौच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। वहीं इस गंभीर समस्या की शिकायत ग्राम प्रधान से कई बार की गई, लेकिन कोई पुरहाल नहीं है। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी से शिकायत करके पेयजल तथा गांव में विकास कार्य करने की मांग की है। करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और पानी तो बिल्कुल निकास भी नहीं है और नल एक था वही भी बिगड़ा पड़ा है और प्रधान से बोला जाता है तो वो आते नहीं हैं, ना सुनते हैं हमारे गांव की। कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो शौच के लिए बाहर जा रही हैं? सारी जाती हैं यहाँ की, एक चाहे हो नहीं तो नहीं, एक गाँव में बाहर ही सारे लोग जाते हैं।
और नहाते हैं तो पानी उलचना पड़ता है तब भी नहाते हैं, और किसी कोई भी नहाए तो पानी उलचना पड़ता है तब नहाते हैं। नहाने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? वहाँ चौराहे से लाते हैं, चौराहे पे पानी भरने जाते हैं पहले, तब लेके आते तब नहाते हैं। क्या नाम है आपका? जय देवी। गाँव में जो है पानी की तो सबसे बड़ी दिक्कत है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे कारण दूसरे गांव से पानी लाते हैं, कभी हाथ तोड़ते कभी पैर तोड़ते, नाली है नहीं ना तो कोई खड़ंजा है तो उसके कारण गिर जाते हैं कीचड़ में जो है। कोई सुविधा प्रधान से बोलने जाते हैं तो प्रधान करते हैं कि हम देख लेंगे, यहाँ 2 महीने से नल बिगड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ देखने तक नहीं आते हैं, दूसरे गाँव से पानी लाते हैं साहब जो है। और उसके बाद में जो है बीमारी के कारण जो है इस नाली वाली के चक्कर में बीमार पड़ रहे आदमी। पानी ऐसी वैसी थी भरी भर लाई थी, चौराहे न पर कपड़ा लेकर जाये थे, कहूँ बाहर नहाए जाये थे, बिटिया पतवाए नहाती हैं, देखा चले कर यहाँ गच्चा भरा घर में बीमारी फैली पड़ी, ना कोई दवा है ना कोई पानी है ना कुछ है, मोहरे पर अत्ता भरती है लड़का कब कब वह में गिर पड़ती हैं, बिटिया पतवाए लांग चढ़ाए चढ़ाए निखरती हैं, का पतोहन तीर इज्जत है टांगे ऊपर खोल दें तो सास ससुर और जेठ देखत है या नहीं देखत है। क्या नाम है आपका? हमार राम देवी।